नमस्कार दोस्तों, लव मुद्रा उपाय यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो उपाय है वह है किसी घमंडी इंसान को अपने वश में करने का। जी हाँ मित्रों, अगर आप किसी घमंडी इंसान जो नकचढ़ा है, बहुत घमंड रखता है, अपने आप में रहता है, या आपको उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है और ऐसे इंसान को आप वश में करना चाहते हैं, तो आज का उपाय केवल और केवल आपके लिए। ये बहुत ही शक्तिशाली व आक्रामक उपाय है जिससे कि आप उस इंसान को एक बार में वशीभूत कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बस एक मंत्र और 5 लौंग। बस मात्र इन्हीं सामग्री से आप उस इंसान को, उस घमंडी इंसान को जो अपने दुराचार में रहता है, अपने शिष्टाचार में रहता है, अपने एक एटीट्यूड में जी रहा है और आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स की, आपके प्रेम की उसको कदर नहीं है, तो आप उसे वशीभूत कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपके जीवन में कोई समस्या चली और आप उसका उचित समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। और अगर आप सरल से सरल उपाय जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ जाएं और जानकारी प्राप्त करके आप अपना कार्य करवा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टॉपिक में मंत्र बता पाएं। आपको क्या करना है, किसी भी रविवार की रात्रि 11 बजे के बाद इस उपाय को करें। एक सफ़ेद पेपर ले लें और उस पर जो मंत्र स्क्रीन पर शो हो रहा है देख लें, यह जो कि सामने दिखाई दे रहा है, आपको ये इस मंत्र को लिखना है। क्रीम 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 नाम वशे गुरु स्वाहा, क्रीम क्री क्री नाम वशे गुरु स्वाहा। नाम की जगह आपको उस इंसान का नाम लिखना है जिसे आप वशीभूत करना चाहते हैं, और फिर लिखना आपको क्री, फिर आपको क्री लिखना है, और फिर बीच में आपको बनाना है स्वास्तिक, स्वास्तिक यानी कि श्री गणेश, ये अंकित आपको कर लिया। अब आपको क्या करना है, दिशा जो मैं बता देता हूँ, रविवार रात्रि 11 बजे के बाद करें, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करें। स्नान आदि से निर्वित होकर, स्वच्छ होकर, शुद्ध मन से आप इस कार्य को करें। उसके बाद ही आप इससे लिखें करें, आसन लगा कर बैठें और उसके बाद 5 लौंग लें और अंतर ध्यान करें, उस इंसान को अंतर ध्यान करें, उसका चेहरा याद करें और फिर उन 5 लोगों को इसके बीचों बीच रखें। ये सावध 5 लोग हैं, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, फूल वाले ही लौंग है, फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। 5 लोग रहेंगे और अब इसे एकत्रित करके एक तख्ता तैयार कर लें, यानी कि ताबीज तैयार कर लें। इस तरीके से ये तख्ता तैयार कर लें। अब इसे अपने दाएँ हाथ की मुट्ठी में रख और उसी मंत्र का जाप करें, क्रीम 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 नाम वश्य गुरु स्व। इसका जाप करें 151 बार कर सकते हैं, या आप 11 मिनट तक लगातार इसका जाप करें। जैसे ही जाप पूर्ण हो जाता है आप इसे तकिए के नीचे रख के सो जाएं। अगली सुबह जब आप उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर, इसे आप एकदम सुनसान जगह पे, जहाँ कोई आता जाता नहीं, यानी कि अपने शहर से बाहर, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, वहाँ से बाहर हाईवे पे चले जाएं, हाईवे के किनारे गाड़ जाएं, क्योंकि वह सुनसान जगह होती है, वहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं। तो ऐसा करें, वह उस घमंडी इंसान को अपने आप उसके मन में आपके प्रति प्रेम भावना जल जाए। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई समस्या चली और आप उसका उचित समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। इसी साथ आपसे जाना चाहूँगा, धन्यवाद।